हाय एवरीवन। सो आज हमने लाइव ट्रेडिंग की थी, तो उसका थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ कि क्या लाइव ट्रेडिंग थी, क्योंकि मैंने फोन में रिकॉर्ड किया सारी चीजें और सारी जो भी चीजें मैंने बोली है, ठीक है। बट एक स्लाइटली आइडिया देना चाहता हूँ कि मैंने ये ट्रेडिंग क्यों की और ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए। इस वीडियो में मैंने एक्सपायरी था तो आज के दिन हमने ट्रेड किया था। जो भी एनालिसिस थी मैंने कल आपको यूट्यूब पे शेयर भी किया हुआ था और उसी के बेसिस पे मैंने आज एक प्रॉपर कन्विक्शन के साथ ट्रेड लिया। इस लाइव वीडियो में आप ये सीखोगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट लाइव ट्रेडिंग, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो डाल रहा हूँ, तो प्रॉपर कन्विक्शन के साथ ट्रेडिंग कैसे करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, क्वांटिटी कब ऐड करना चाहिए, कब जरूरत है हेज करने के लिए, कब जरूरत है निकालने के लिए, अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रहा है तो किस तरीके से एक्शन लेना है, ठीक है। थीटा डीके के बारे में बात किया हूँ, जो टाइम डीके होता है उसके बारे में बात किया हूँ, और एक्सपायरी के दिन पर्टिकुलर ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, वैसे टारगेट को मॉडिफाई किया हूँ, यहाँ पे क्यों किया हूँ उसका भी रीजन दिया हुआ है कि हमारा टारगेट जब एक अचीव हो गया दूसरा अचीव नहीं हुआ तो उसको भी एग्जिट करना पड़ा था। तो अगर आप एंड में जाकर वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। तो हमने अपना टारगेट जो था, बेसिकली मैंने अपना टारगेट यहाँ पे जो था, हमारा टारगेट मैंने पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे इनिशियली थोड़ा सा और नीचे रखा था, इस पॉइंट तक रखा हुआ था, बट हमारा ये 50 EMA का लाइन है, ठीक है। और 50 EMA को कंसिडर करके मैंने रखा हुआ था अपना टारगेट, ठीक है। तो ये जब यहाँ से रिवर्ट कर रहा था तो एक टारगेट मेरा हिट हो गया, दूसरा टारगेट हिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने उसको भी एग्जिट कर दिया था। अगर आप देखोगे तो दो ट्रेड लिए थे, तो हमारा 36,400 का टारगेट हिट नहीं हुआ था, 40 पॉइंट बचे हुए थे, और जो हमारा दूसरा है 36,200 का, ये हमारा हिट हो गया था। और उसके बाद देखो जो एक डिसीजन लिया वो सही भी हुआ, क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक नहीं किया और वापस ऊपर चला गया, ठीक है। प्लान क्या था कि यहाँ से अगर मार्केट रिवर्ट कर रहा है तो जाएगा, मैं वेट कर रहा था 3 मिनट्स में, देखा जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिल गए थे कि हाँ अब ट्रेडिंग के लिए जा सकता हूं मैं, तो मैं यहाँ पे निकल गया था 921 के आसपास के लिए। अब छोटा सा स्टॉप लॉस 53 पॉइंट्स का पर्टिकुलरली रखा था, ठीक है। अगर आप देखोगे कि 53 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस हमने रखा है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो ये 200 EMA हमारे इसके जस्ट ऊपर रखा था, ठीक है। और टारगेट मैंने 50 EMA के आसपास रखा था। ट्रेडिंग सही हुई, सब चीज सही हुआ है, और यहाँ पे जो कैपिटल पर्टिकुलरली इस ट्रेड के लिए जो यूज किया हुआ था, इनिशियली मैंने ऑप्शन बाय के लिए गया था, फिर उसको एग्जिट करके ऑप्शन सेल के लिए, आप देखोगे वीडियो बहुत सारी चीजें समझ में आएगा। ओवरऑल ऑन टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल जो रिटर्न है अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% के पास है, एंड उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है वापस से फोर्सफुली कि और पैसे मिल जाएंगे या फिर आउट ऑफ द मनी सेल कर दो तो कम से कम 20,000 से 30,000 रुपये और आ जाएंगे। जितना हमें चाहिए उतना मिल चुका है, एंड कल के ट्रेड में हमारा निफ्टी 50 का भी बहुत अच्छी मूवमेंट आई, उसके बारे में भी मैंने अपडेट किया हुआ था टेलीग्राम ग्रुप में कि हाँ निफ्टी 50 में भी मूवमेंट मिल रही है और हमें ट्रेडिंग किस तरीके से करनी थी निफ्टी 50 में, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 का मूवमेंट जब मार्केट यहाँ पे था तब मैंने बताया था, और उसके बाद बोला था कि टारगेट यहाँ तक है बट एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7 का फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे अगर आप जाओगे ट्रेडिंग के लिए तो बहुत बुरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा। तो अगर आप देखो अभी तक इसने निफ्टी 50 ने 1:4 तक का टारगेट दे चुका है। तो इस तरीके से प्रॉपर कन्विक्शन के साथ ट्रेडिंग करो, एंड चलिए लाइव ट्रेडिंग देखते हैं, आपको बहुत रियल एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हमने यहाँ पे अपना पहला पोजीशन बना लिया है, मैंने यहाँ पे सेल कर लिया है 36,500 के आसपास। तो अभी आप देखोगे तो मार्केट एक अच्छा खासा डाउनफॉल हो रहा है, मैंने 430 के आसपास रखा हुआ है, एंड अभी तक इसने मुझे एक मैक्सिमम पॉइंट 455 का ये हाई भी लगा चुका था। हमारा टारगेट यहाँ से कुछ 200 पॉइंट का है, मार्केट वापस रिवर्ट हो रहा है, बट जैसे ही ये R1 के आसपास आएगा मैं यहाँ पे अपने कुछ क्वांटिटी जो है वो निकाल दूंगा, एंड प्लस एट द सेम टाइम मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं ऑप्शन सेलिंग के लिए घुसूँ ना कि ऑप्शन बाइंग के लिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे डिके मिलेगा, वो सबसे बड़ी चीज़ होगी। तो उसके लिए मेरा प्लान रहेगा कि ऑप्शन सेलिंग के लिए भी मैं निकलूँ। तो जैसा होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको। अभी के लिए फ़िलहाल मार्केट एक अच्छी मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है, बट देखते हैं किस तरीके से मूवमेंट आती है हमें यहाँ पे। फिलहाल अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं, 30 पॉइंट ही मिला है, तो 30 पॉइंट के अकॉर्डिंग
हम देखे तो 15 पॉइंट के आसपास मिल चुका है। मैं छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लिया है, रिस्क कुछ 20 से 30 पॉइंट का ही है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस भी कुछ 60 पॉइंट का है, मतलब 30 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस है। ऑलराइट गाइस, तो मार्केट ने स्लाइटली अच्छा मूव दिया है, बट कल जहाँ से मार्केट, जिस पॉइंट ऑफ टाइम से ये साइडवेज मार्केट है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट दिया और उसी पॉइंट से कल के हाई से ही ये रिजेक्शन ले रहा है, तो हो सकता है कि ये हमारा ब्रेकआउट होता या फिर जो भी होता, ठीक है, तो उससे मेरा टेंशन नहीं। मैंने अपना अभी जस्ट मैंने अपना जो मैंने ऑप्शन बाई किया हुआ था उसको हटा कर मैं ऑप्शन सेल कर चुका हूँ, ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट लूज आउट हो गए हैं, शायद 3 से 5 पॉइंट के आसपास लूज आउट हो गए हैं ये प्रोसेस में, बट कोई नहीं, हमारा टारगेट अभी भी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मुझे मिल चुका है 1:1 के आसपास मुझे मिल चुका है, ठीक है, क्योंकि मुझे रिस्क करना था अप्रॉक्सीमेटली 6,000 to 7,000 के आसपास, टारगेट अभी तक नहीं मिला है, वेट करेंगे, अगर मार्केट रिवर्स करता है तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेंगे। तेरी शिकायत कर दूं, अभी मार्केट मुझे नुकसान दे रहा है तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकालूंगा, मैं अपने लॉस नहीं लूंगा, क्योंकि एक प्रॉफिट में आने के बाद मार्केट यहाँ से जब ऊपर की तरफ निकल रहा है, मतलब हो सकता है कि मार्केट ये पर्टिकुलर लेवल को रीटेस्ट कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी भाई कोशिश रहेगी कि आप आराम से, मैं कैंडल क्लोजिंग का इंतज़ार करूँगा और उसके बाद एक डिसीजन बनाऊंगा जो जिसमें ज़्यादा लॉस मुझे ना हो। तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज हो। इसी चलते मैं, मुझे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना ज़रूरी है कि अगर कैंडल क्लोजिंग होता है तो क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है मार्केट का कि हाँ आपका मार्केट एक्चुअल में वो मूवमेंट सही है या नहीं है। और मेरा यहाँ पे प्लान है कि मैं थोड़ी क्वांटिटी बाई भी करूँ पुट ऑप्शन, क्योंकि जो मैंने सेल किया हुआ है उसमें डिके बहुत कम बचा हुआ है। तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? नहीं। वेट करते हैं, मार्केट में प्रॉपर डायरेक्शन अभी मुझे नहीं मिल रहा है कि मार्केट अगर 5 मिनट्स में हम लोग देखें यहाँ पे तो मार्केट डाउन जाकर अप आया, फिर डाउन जाने की कोशिश कर रहा है, एट द सेम टाइम रिजेक्शंस ले रहे हैं, तो अभी करना क्या चाहता है, इंतज़ार करेंगे एंड थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स हैं मेरे माइंड में कि जो मुझे करना है उसके लिए भी मैं एक थोड़ा सा और कन्फर्मेशन डाउनसाइड का वेट करूँगा, फिर इसके बाद मैं एडजस्ट कर लूँगा अपना जो भी मेरा जो एडजस्टमेंट है पर्टिकुलरली जो मुझे करना है। तो यहाँ पे मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कॉल ऑप्शन मुझे ऐड करना था, मैंने पुट ऑप्शन ऐड किया है, उसकी वजह से मैंने एक पुट ऑप्शन मैंने खरीद लिया है, तो ये मिस्टेक होती है मार्केट में जहाँ पे आप ध्यान कभी कभी निकल जाता है कि कौन से पार्ट का आप हेज कर रहे हो, तो ये चीज़ें होती हैं, तो भी मैंने दोनों ऑप्शन खरीद लिए हैं, तो थोड़ा सा स्लाइटली एक को बेच दिया और एक को खरीद लिया है, तो ये हेज हो गया है पोजिशन, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी ये पोजिशन निकालने वाला हूँ, मार्केट मेरे फेवर में आ रहा है तो कुछ वैसा इशू नहीं है, क्योंकि मैंने जब ये हेज किया तो जो भी लॉसेज होंगे या फिर वो मिनिमाइज हो जाएंगे, तो वो चीज़ें रहेंगी। अगर देखा जाए तो मार्केट आ रहा है डे के ऑलमोस्ट जिस लो से वो रिवर्ट किया था, मैं इसे निकाल दे रहा हूँ अब, CE को मैं सेल कर देता हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा अब अपना पोजीशन निकालने के लिए सोच रहा हूँ और तब तक मार्केट ने अच्छी खासी मूवमेंट भी दे चुकी है, तो ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आया नहीं और ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ नहीं है जो मेरे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ना है, तो बहुत मिनिमल लॉस पे चल रहा है, तो मार्केट जनरली साइडवेज नहीं रहे तो बेहतर होगा मेरे लिए,
बट अगर साइडवेज की तरफ दिखाता है तो इससे अच्छा सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि मैं अपना पोजीशन हेज कर लूं, तो उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर शॉर्ट स्ट्राइडल या स्ट्रैंगल कर लूं, क्योंकि ये लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से मुझे बेनिफिट हो रहा है। बड़े प्रॉफिट्स के चक्कर में हैं कि हाँ मार्केट अगर मूवमेंट देता है तो बड़े प्रॉफिट लूँगा, अगर मार्केट अगेंस्ट जाता है तो मैं भाई कम नुकसान में निकल जाऊँ। ज़्यादा बड़ा लॉस लेने का कोई शौक नहीं है। बहुत ही सही फॉल दिया है, प्रॉफिट कुछ 40,000 तक भी गया था। अगर आप देखोगे इस फॉल से मालूम पड़ सकता है कि हाँ कितनी अच्छी और शार्प मूवमेंट आई होगी। दो कैप्चर नहीं हो पाया है वो प्रॉफिट, क्योंकि मैंने कोई भी वैसा टारगेट पर्टिकुलरली सेट नहीं किया था, तो उस वजह से ये कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ। बट ठीक है, हम लोग देखते हैं किस पॉइंट तक गया था। मार्केट 320 का लो लगाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग के लिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना प्रेफर करूँगा, और मैं जो ये कॉल ऑप्शन बाई सॉरी पुट ऑप्शन जो बाई किया हूँ उसको मैं 500 पे एग्जिट कर देता हूँ। एंड एट द सेम टाइम अगर हम लोग मार्केट को देखें तो ये भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है। अब ये कितने देर सस्टेन करता है, अगर मार्केट नेक्स्ट 15-20 मिनट के लिए भी रह जाता है तो एक अच्छी डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। मेरा जो पहला टारगेट था वो पर्टिकुलरली अचीव हो चुका है। रिस्क कुछ 6,000 का था, प्रॉफिट अभी तक 24,000 इवन 40,000 तक जा चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके मैं निकला था मार्केट में। और ये एनालिसिस सिर्फ मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एनालिसिस मैंने आपको भी शेयर किया हुआ था कि ये जो एरो है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, मैं सेलिंग के लिए जाऊँगा, एंड यही चीज़ मैंने की हुई भी है। और मैंने अपना टारगेट यहाँ तक जो सेट किया है इसको मैं पार्ट बाई पार्ट निकालता जाऊँगा मोस्टली। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो मार्केट ने अच्छी एक मूवमेंट दे रखी है, एंड ऑलमोस्ट मेरा जो पहला टारगेट है वो हिट हो चुका है, ठीक है। एंड ये जो था 100 क्वांटिटी मुझे फर्स्ट टारगेट पे निकालना था, एंड मैंने साथ ही साथ अपने टारगेट भी सेट कर रखे हैं जो यहाँ पे है। इसको ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स के आसपास, ये 50-60 पॉइंट्स के आसपास निकल जाएगा, और यहाँ पे 75 पॉइंट्स के आसपास ये निकल जाएगा। मार्केट अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है, जो आपका R1 है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे है, ठीक है। अब R1 को ब्रेक कर नहीं पा रहा है मार्केट, लास्ट 10-15 मिनट से वही चल रहा है। तो प्लान यही है कि या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। अगले 10 मिनट के अंदर मार्केट ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तो मैं अपना प्रॉफिट जो भी कहाँ है हमारा पोजीशन वो एग्ज़िट कर लेंगे। क्योंकि एग्ज़िट करने का रीज़न ये है कि मार्केट हो सकता है रिवर्स कर जाए, क्योंकि निफ्टी 50 आपका अच्छी मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे ऑप्शन सेल किया हुआ तो हमारे लिए फ़ायदा है कि हमें टाइम डिके का बेनिफिट भी मिल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ नुकसान है कि अगर बड़ी मूवमेंट आएगी तो ऑप्शन की जो प्राइसेस होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइक हो जाता है और वो बहुत तेज़ी से अपसाइड मूवमेंट दिखाती है। तो अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने ये ऑप्शन जो पी है उसको मैंने बाई किया हुआ था 430 के एवरेज पे, ठीक है। और फिर मैंने वापस से बाई किया था 444 के एवरेज पे, और अभी तक इसने जो मूवमेंट दिया है ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे जब मैंने इसको सेल किया हुआ था तो 60 रुपीज़ का मूवमेंट दिया है, और यहाँ पे डिके हुआ नहीं है एक्चुअली, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पे 50-55 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला है, तो ऑलमोस्ट अभी सिमिलर चल रहा है। बट हाँ, एक फ़ायदा है कि अगर लॉन्गर टर्म्स में देखें, अगर 1-2 घंटा और होल्ड करना पड़े तो मुझे थीटा डीके का बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। और 37,000 पीई अगर आप देखो तो जिसका 512 रुपये चल रहा है, मतलब इसका एक्चुअल प्राइस होगा आपका 36,474 चल रहा है, तो इसमें मूवमेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने कॉस्ट टू कॉस्ट, यहाँ पर टाइम डीके बचा नहीं है। तो 1 रुपये का 2 रुपये का मान के चलो 10 रुपये का बेनिफिट होता है बैंक निफ्टी में, नीचे गिरता है तो ये आपका पुट ऑप्शन जो है ये कम से कम भी 6-7 रुपये नीचे गिरेगा, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी हमारा काम ख़त्म हो चुका है, एंड बैंक निफ्टी भी बार बार रिजेक्शन दे रहा है, साथ ही आपका जो बैंक निफ्टी तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और निफ्टी 50 जो हमारा है
ये अपर लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है कि हाँ अब क्या कर सकते हैं। तो मेरा बस सिंपल सा फंडा है कि अगर ब्रेक करना है तो 10 मिनट और होल्ड करने वाला हूँ मैक्सिमम, उसके बाद मैं एग्जिट कर दूंगा अपने ट्रेड्स। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक होल्ड करना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी 50 हमारे फेवर में होता तो कर सकते थे, लेकिन निफ्टी 50 हमारे फेवर में नहीं है, तो अननेसेसरीली रिस्क लेना जस्ट बिकॉज कि हाँ पैसे चाहिए पैसे चाहिए, पैसे बन जाएंगे, पैसे बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट हाँ प्रॉपर माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं कि हाँ हमें एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। तो कोशिश हो रही है ब्रेकआउट देने की, बट देखते हैं। मार्केट अभी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल पे था, एक अच्छा फॉल दिखा रहा है और बहुत सही टाइम पे दिखा रहा है ये फॉल, क्योंकि अगर आप देखोगे ठीक है निफ्टी 50 को, निफ्टी 50 जो था हमारा ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करने वाला, तो मैं एकदम मतलब रेडी था कि अब मुझे एग्जिट कर देना है अपने ट्रेड्स, ठीक है। तो वैसा सिचुएशन था मेरा, एंड अभी बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट मेरे टारगेट के पास आ रहा है, वेट करना है प्रॉफिट। अगर हम देखें टारगेट जो सेट किया हुआ है बस अब थोड़ा ही दूर है, मार्केट फिर से रिवर्ट कर रहा है। सो होता है ऐसा कि आपका टारगेट ऑलमोस्ट पास है बट मार्केट फिर से रिवर्ट कर जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं यार, अपने को होल्ड करके रखना है। अगर ट्रेडिंग सही है तो वापस से मार्केट आ ही जाएगा, अगर गलत है तो फिर दूसरा प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है हमें। टारगेट ऑलमोस्ट हिट होने वाला है, अगर हम देखें तो 10-12 रुपए और है, और यहाँ पे देखें तो पॉइंट में 411 20-30 रुपए और हैं। तो एक टारगेट हमारा हिट हो गया है और दूसरा टारगेट जो बचा हुआ है वो शायद हिट ना हो, ठीक है। तो इसको मैं पहले निकाल देता हूँ। अब इस चीज़ को अगर देखा जाए तो पर्टिकुलरली टारगेट तक आया नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मेरा टारगेट जो है वो हिट हो चुका है, क्योंकि डीके वगैरह जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग था पॉइंट्स मैंने सही निकाले हुए थे। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा टारगेट जो है 100 के आसपास है, जो मैंने बहुत ज़्यादा सेट किया हुआ है, ठीक है। तो क्यों ऐसा, जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अभी क्या है कि 36,400 जो है स्लाइटली आउट ऑफ द मनी होने वाला है पी कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू जो है आपका ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट 36,400 के नीचे सस्टेन कर लेता है, ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और इस 40 पॉइंट्स के लिए बैंक निफ्टी को निगेटिव में जाना होगा तभी पॉसिबल है, मतलब यहाँ से और 80 पॉइंट का फॉल, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इतने टाइम तक और होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे दूसरा जो हमारा है जहाँ पे 37,000 आया, यहाँ इसने कितने का लो लगाया आप देखो, 271.95, मेरा ऑर्डर कितने पे एग्जीक्यूट हुआ, 272। तो मैं इसको भी एग्जिट कर देता हूँ क्योंकि एक अच्छी प्रॉफिट मिल चुकी है, टारगेट भी ऑलमोस्ट मेरा हिट हो चुका है जो टारगेट मैंने इनिशियली सेट किया हुआ था। तो आई विल एग्जिट एंड सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लाइव ट्रेड। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने लाइव ट्रेडिंग की हुई है। आप यहाँ पे देखो तो मेरा टारगेट जो है, ठीक है, ऑलमोस्ट हिट नहीं हुआ है अगर देखा जाए पॉइंट वाइज, क्योंकि ये बच गया आपका कुछ 20 रुपए के पास। पर क्यों मैंने एग्जिट किया, क्योंकि पहला चीज़ तो था कि मैंने जो टारगेट अकॉर्डिंगली नंबर जितना फॉल चाहिए था मुझे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं कुछ 194 पॉइंट्स का देख रहा था, ठीक है, तो 194 पॉइंट्स का देख रहा था, ऑलमोस्ट मुझे ऑप्शन में डीके चाहिए थे कुछ 120 रुपये, उसके अकॉर्डिंग मैंने सेट किया हुआ था, वो मुझे मिल गया। अब दूसरा चीज़ था जब मैंने टारगेट सेट किया हुआ था उस टाइम, ये हमारा जो ई एम ए है लास्ट वाला उसके अकॉर्डिंग किया हुआ था एंड एग्जैक्टली इसी ई एम ए से ये सपोर्ट ले रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं जा सकता है, इस जाने के चांसेस बन सकते हैं इसको, बट अभी मैं यहाँ पे देखूँ जो अगर मेरा ये 100 दूसरा हमारा 36,400 सी है, इसको अगर 40 पॉइंट चाहिए तो मुझे मार्केट से और 100 पॉइंट और डाउन फॉल एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, और एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो डाउनफॉल
देखा जाए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिफिकल्ट होगा, एट द एंड ऑफ द डे ये 146 जो है हो सकता है ये जीरो हो जाए, ठीक है, बट अभी क्या है हमारा टारगेट हिट हो गया एंड दैट्स ऑल। हमें यही चाहिए होता है कि हमारा टारगेट हिट हो जाए, बस कहानी खत्म। सो आई होप यू गाइज लाइक द लाइव ट्रेडिंग एंड वॉच टिल द एंड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि कैसे पर्टिकुलरली जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट चाहिए होता मुझे तो अगर जो मैंने पुट ऑप्शन बाय किया होता उसको मैंने एग्जिट नहीं किया होता, ठीक है, तो अगर मैंने एग्जिट किया तो वहाँ से मुझे कुछ लॉस हुए। और अभी भी देखा जाए तो मैं पर्टिकुलरली बोलूँगा कि मेरा कितना टारगेट, जो टारगेट मैंने इनिशियली सेट किया हुआ था 1:3 का फॉर्म मैंने निकाला है, ठीक है, एंड दैट टू विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मैंने निकाला है, जहाँ पे मेरा रिस्क कुछ लगभग आप देखो तो 50 पॉइंट का, मतलब 30 पॉइंट के आसपास का मैं फॉल देख रहा था, ठीक है, कि हाँ 30 पॉइंट भाई आता है तो मैं निकल जाऊँगा मार्केट से। तो अगर मेरा जो लॉस था वो डिके को इंक्लूड करके, क्योंकि मेरी क्वांटिटी 300 से ऑलमोस्ट हो गई थी आपकी 400 तक जा चुका था, तो 9000 से 12000 के बीच में मेरा रिस्क था, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट 3-4 times, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लाइव ट्रेड, थैंक यू गाइस।